ओम शांति। आज की तारीख है 31/5/2023। 31 मई 2023 आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसीलिए जरा भी गफलत नहीं करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। तुम्हारे ऊपर माया के 5 विकारों का पहरा है, इसीलिए जरा भी गफलत नहीं करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करने की मेहनत करो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है, उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है। उत्तर, बाबा के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की ज़रूरत नहीं, पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। हम सब बच्चों का पहला पाठ है, पवित्र रहो तो पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाबा आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, क्योंकि शिव बाबा हैं एवर पवित्र। गीत है आज की मुरली से, ना वह हमसे जुदा होंगे। ताना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ, मैं इस रथ पर विराजमान भ्रकुटि के मध्य चमकती हुई आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है, अब बुद्धि से रेस करनी है कि बाबा को हम कितना ज़्यादा याद कर सकते हैं। जब भी मन शांत अवस्था में हो, मन शांति में बैठे, थोड़ा सा भी बाबा कहते हैं समय मिले तो बाबा को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते। दूसरी पॉइंट है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, इस कलयुगी दुनिया से धीरे धीरे डिटैच होना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करने पे भी पावन जरूर बनना है। हो सकता है बहुत सी हमारी दादियों ने बहुत परेशानियाँ भी उठाई, बहुत सितम सहन किए, बहुत डांट भी खाई, बहुत अत्याचार सहन किए, लेकिन पवित्रता का दामन जब से बाबा ने कहा नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर करना है। वरदान है आज की मुरली से, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर, बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है, नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में आ नहीं सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्या, ऐसे होता है क्या, लेकिन नथिंग न्यू माना ड्रामा हम सब बच्चों के लिए कल्याणकारी है, कुछ भी नया नहीं है, क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय की जगह वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, सुख दाता बाबा के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो, वो सुख का सागर परमात्मा शिव बाबा, हम उसके बच्चे मास्टर सुख के सागर हैं, तो सुख स्वरूप बन के रहो, दुख की लहर आ नहीं सकती। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक मिनट के लिए उस परम सत्ता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। प्रकृति के मध्य चमकती हुई आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर परमात्मा शिव की संतान, मैं मास्टर पवित्रता की सागर आत्मा हूँ, पवित्रता का ऑरेंज कलर का प्रकाश, नारंगी प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सर्वप्रथम मेरे पूरे देह में प्रवाहित हो रहा है।
धीरे धीरे ये पवित्रता का प्रकाश चारों ओर के वायुमंडल में फैलता जा रहा है। आसपास की सभी आत्माएं इस पवित्र वाइब्रेशन से सुखी होती जा रही हैं। पवित्रता का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व पावन बन गए। परमधाम से परमात्मा शिव से पवित्रता का ये प्रकाश निरंतर मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है, समाता जा रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस संसार को पावन बनाने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ।